Rahim, uh, Today we are discussing the CSS 2023 English papers, both essay and pressy papers here. The analysis of the essay paper was due uh, because uh, you have been hearing a lot of things about the different topics. sare topics is me, jisne totally logon साफ़ लग रहा था कि एस्पायरेंट्स एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन जिस तरह का पेपर आया पूरी तरह से उनकी तोक़़ु के खिलाफ था ये मौजूदा एस्पायरेंट्स की तोक़़ु के खिलाफ हो तो हो लेकिन हम जैसे एक्सपीरियंस लोगों के या एग्जामिनर्स के या टीचर्स के बिल्कुल खिलाफ ये नहीं था और नोवा की क्लासेस में जब भी मैं एबस्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ाता हूँ और आर्गमेंटेटिव ऐसे तो हम हमेशा स्टूडेंट्स से ये कहा जाता है कि अपने आप को तैयार रखें किसी भी दिन आपको इस तरह का सरप्राइज मिल सकता है के पेपर के अंदर तमाम एबस्ट्रैक्ट और आर्गुमेंटेटिव एसेज ही, एसे ही शायद हो ये 2017 में भी हो चुका है लास्ट ईयर आई का जो पेपर था इंडिया का वो भी इसी तरीके से था के पी पी का पेपर वो भी इसी तरीके से था सो so, ये एक एस्पायरेंट्स uh, के लिए एक आई वुड कॉल इट अग वेकप कॉल के uh, ये समझना कि जो आई वुड से न्यूज़पेपर स्टाइल जो एस के पेपर्स बन रहे थे पाकिस्तान में सी के Uh, वो जमाना नहीं रहा अब वो बहुत ज़्यादा पेपर्स जो थे वो इंफॉर्मेशन बेस्ड समझा जाता था एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि बेसिकली जिस तरह के पेपर्स हमने सी के देखे हुए हैं एटीज़ में नाइन्टीज़ में या टू अर्ली में एक्चुअल सी का पेपर ये होता है एक्चुअल पेपर ये होता है लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं था समझ आती कि करंट अफेयर्स के पेपर में और ऐसे के पेपर में क्या डिफरेंस है सो so, एक्चुअल अपने आप को हम सब लोगों का भी इस चीज़ इस की तैयारी करने की चाहिए कि एक्चुअल पेपर्स इस तरह के आया करेंगे फ्यूचर आल्सो। नाउ बेसिक डिफरेंस जो इसके अंदर जो एनालिसिस जो फर्स्ट एनालिसिस था मेरा उसके अंदर ये पेश आया कि वो फर्स्ट एनालिसिस मेरा यह था कि लोगों को जो प्रॉब्लम पेश आई वो है द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच एंड द डिस्कशन बेस्ड अप्रोच क्योंकि सी एस एस में ग्रेजुअली स्टूडेंट्स बाकी सारे पेपर्स में इंफॉर्मेशन को हैंडल कर कर करके एक अप्रोच बन जाती है कि जैसे ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन का पेपर है आम तौर पर फर्स्ट डे जब कोई भी बैच स्टार्ट हो स्टूडेंट्स को जब मैं पूछता हूँ कि आपको सी एस एस के एस के पेपर में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है तो आमतौर पर जो चीज़ सामने आती है वो यही है कि सर डेटा नॉलेज इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ कहाँ से आएगा This is what they are concerned about, concerned with. And what I am concerned about is that discussion. discussion. And this is what most of the students are, as parents are unable to understand. So discussion-based approach, basically CSS ka, jo essay ka paper what discussion-based in information-based approach की वजह की, की की, जो माइंड सेट बन गया हुआ है लोगों का दैट इज द रीजन कि इस पेपर में इन लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किल पेश आई सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एस ए दिस इज नॉट अ करंट अफेयर्स पेपर एंड द एस ए डिस्कस आइडियाज नॉट इंफॉर्मेशन दस द इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज यूज टू प्रूव द आइडिया टू प्रूव द डिस्कशन इट्स अ डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इट इज एविडेंस बेस्ड राइटिंग यकीनन एविडेंस आपको चाहिए हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि आइडिया 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 सिर्फ डिस्कस करते जाए विदाउट गिविंग एनी एविडेंस बट एट द सेम टाइम द मेन वेटेज शुड बी ऑफ दैट ऑफ डिस्कशन नॉट द इंफॉर्मेशन और इस टॉपिक को अब इन, इन इस पेपर को अगर एनालाइज करें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डिस्कस देपर फर्स्ट जो टॉपिक था इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एन ग्रेविंग इन स्टोन इट्स एन अफ्रीकन प्रोवर्ब बेसिकली अफ्रीकन सेंग एंड अब इसके ऊपर अगर लोग इसको बेसिकली एब्सट्रैक्ट क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ एसेज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ और टाइप्स ऑफ एसेज के ज़रिए ही लोगों को सही माने में समझ आती है कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है मिक्सअप करना टॉपिक्स को टाइप्स ऑफ एसेज को कोई मुश्किल चीज नहीं है और लोग समझते हैं कि हम जबरदस्ती उसको ले भी जाएंगे कि क्या हुआ सर किसी टॉपिक को बाद लोग कहते हैं टाइप शाइप कोई नहीं होती बस ऐसे ऐसे, ऐसे लिखो इस एटीट्यूड ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वेर एज जो अब कैंडिडेट्स टाइप्स के हिसाब से लिख रहे हैं उनकी ज्यादा लोग पास हो रहे हैं पासिंग रेशो बढ़ गई है सिर्फ इस वजह से कि एग्जामिनर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था उसने शुरू में लिख के दिया था आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एक्सपोजिशन के मुताबिक लोगों ने इसको हैंडल करने की कोशिश की हांजामिनर ने यह कहा है, अब इसको साबित करना साबित करने का मतलब है कि अब इसको वेरियस डायमेंशन से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि यस इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन इट इज एन ओपन एंडेड टॉपिक इसकी कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती एब्स्ट्रैक्ट से मेरी मुराद होगी ओपन एंडेड दो तरह के टॉपिक्स हैं होते हैं एक ओपन एंडेड होते हैं और दूसरे क्लोज एंडेड जो क्लोज एंडेड है फिर उनके अंदर दो टाइप्स आती हैं जिसमें अंदर एक्सपोजिशन है और आर्गुमेंटेशन है जो ओपन एंडेड है इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन अब इसके ऊपर वेरियस डायमेंशन से वेरियस इंटरप्रिटेशन जो है इस टॉपिक की की जा सकती है कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं होगी नेक्स्ट द वन हु यूज इज फोर्स इज ए ऑफ रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट इट्स ओपन एंडेड इट कैन नॉट बी रिटर्न ओनली अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशन जैसे बाद लोग समझते हैं कि इस ऐसे के अंदर ये लिखना था बहुत से लोग मैंने देखा है पिछले दो तीन दिनों में यूट्यूब के ऊपर इसका पेपर का एनालिसिस करते हुए वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको इसके अंदर ये लिखना था एंड दे डिस्कस द मटेरियल आल्सो ये वाली आर्गूमेंट देनी थी ये वाली आर्गूमेंट देनी थी अगर यही इंफॉर्मेशन और यही आर्गूमेंट देनी थी तो दैट मीन्स के जिस शख्स को उस आर्गूमेंट का नहीं पता फिर वो उस ऐसे के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकता

Topic number three, not all recycling projects are cost effective. Not all recycling projects are cost effective, which means that all recycling projects have some sort of cost, whether it is the cost on environment, whether it is human cost, whether it is the financial cost, everything, all recycling projects, currently they have a cost.

सो so दैट जो uh, जो कन्वेंशनल जो मेथड है उसका रोड बनाने का उसकी बजाय एक तो हमने uh, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया और कन्वेंशनल मैथड से जो इकोलॉजी uh, को जो डैमेज होता है जो इन्वायरमेंट डैमेज होता है वो चीज़ ना हो बट वाई मेल्टिंग दैट प्लास्टिक द फ्यूम्स एंड द एमिशंस वर सो हाई कि वो तमाम जो मकसद था उस रोड को बनाने का वही ख़त्म हो गया सो so आपने रिसाइकल तो कर लिया बट एट द सेम टाइम रिसाइकिलिंग करने से जितनी हमने कॉस्ट जो उसकी बचाई है उससे कहीं ज़्यादा उसको जो है वो एनवायरमेंट को डैमेज कर गए जस्ट वन ऑफ़ दी एग्जाम्पल्स लाजमी नहीं कि इसी रेफरेंस से बात की जाए जो मेरे माइंड में आया मैंने आपके सामने एक्सपदिटरी एस से और ये वाहिद एक्सपदिटरी टॉपिक था इस पूरे पेपर के अंदर फूल प्रोवर्ब अब बहुत से लोग ये कहते हैं इस किस्म के टॉपिक्स को लिटरेरी कहते हैं इट इज नॉट लिटरेरी मैं हमेशा कहा करता हूँ लिटरेरी से मराद है नहीं जी आम क्या है व्यू आम ये है कि जो लिटरेचर पढ़े हुए हैं लोग वो इसको, इसको पेपर को जो है वो आराम से कर सकते हैं इट्स नॉट लाइक दैट लिटरेचर वालों से पूछे क्या आप इसको इंटरप्रेट डायरेक्टली जो है वो इसी तरीके से कर सकते हैं कि पूरी ऐसे लिखी जा सके कि जी हर फिलोसफी पढ़ा बंदा या लिटरेचर पढ़ा बंदा इस ऐसे को उसी तरीके से जो है वो इंटरप्रेट कर सकेगा ओपन एंडेड टॉपिक आप किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं फ्रेंड वॉक्स इन वेन एवरी वन वॉक्स आउट एब्सट्रैक्ट ओपन एंडेड नंबर सिक्स ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल अब उसने एक अपना ओपिनियन पेश कर दिया आर्ग्यूमेंटेटिव इससे आर्ग्यूमेंटेटिव इसलिए एग्जामिनर ने कहा कि इट इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव यानी एक खास उसका ओपिनियन है आई पर्सनली फॉर एग्जाम्पल मे डिस विद दैट और इवन एग्री विद दैट सो इसका मतलब है कि डिबेटेबल टॉपिक है पहचानने की जरूरत ये होती है लोग समझ वो स्टूडेंट्स आमतौर पे परेशान हो जाते हैं कि जी आर्गोमेंटेटिव कैसे इज इट डिबेटेबल पीपल में डिसग्री विद डैट नहीं जी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसका अपना एक वो है उसका अपनी एक इफेक्टिवनेस uh, है ब्यूटी है सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वॉट द एग्जामिनर थिंग्स इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक आप किसी भी साइड से उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं आर्गोमेंटेटिव नंबर सेवन टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग

उसके बाद नंबर एट पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी मेरा नोआ uh, के मॉक्स में ये वाला टॉपिक था जुलाई uh, के मॉक्स में पहला टॉपिक ये था कि मैन काइंड इन एन अन एंडिंग रेस विथ टेक्नोलॉजी मैन काइंड इन एन अन एंडिंग रेस रेस विथ टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो डिपेंडेंट और आर्गुमेंटेटिव ऐसे थी वे भी आर्गोमेंटेटिव टॉपिक है पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र किया है ऑनलाइन लर्निंग का तो ये वो चीज़ है जो हम नोआ के में एस एस पढ़ाते वक्त बहुत ज्यादा इस चीज़ के ऊपर आ, बात भी की जाती है बहस भी की जाती है और आमतौर पे आर्गुमेंटेटिव एसेस पढ़ाते वक्त मेरा इसके अंदर जो है वो आ, सारा फोकस ही इस चीज़ के ऊपर होता है सो so, ये वाला टॉपिक भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए तैयार था नोआ के लेकिन खास तौर पर एट वाला जो टॉपिक था ये नोआ के स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्गोमेंटेटिव ऐसे की हुई थी फॉर देम इट वॉज अ पीस ऑफ केक बिकॉज आर्गमेंटेशन है जो है हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ सिखाते हैं और स्टूडेंट्स उसको अच्छे तरीके से करने में कामयाब हुए आई मस्ट एड हेयर्स व्यूअर्स के ये पेपर आम तौर पे लोगों के लिए तो पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा सख्त शौक था लेकिन हमारे नोआ के स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर्ड थे और यहाँ पे हमें वो ह्यू एन नज़र नहीं आई इसलिए कि लोगों को ऑलरेडी पता था किसी भी मैंने आम कैंडिडेट से भी पूछ के देखा है तो दे कुड ईजिली इंटरप्रेट दे कुड ईजिली डिसाइफर एंड दे डिड नॉट हैव दिस ओपिनियन के सर ये पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है नहीं मुसीबत नोआ के स्टूडेंट्स के लिए कम से कम नहीं थी बिकॉज उनकी एस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि वो इस किस्म के पेपर्स को हैंडल कर सकते हैं ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके जाते हैं हमारे जो डिसम्बर टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर जो मैंने लास्ट पेपर जो दिया था उसके अंदर फोर एब्स्ट्रैक्ट एसेस दिए थे देर वर थ्री आर्गुमेंटेटिव एंड जस्ट टू एक्सपोटिट्री ये स्टूडेंट्स की एक प्रेपरेशन थी उनके लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था कि एक्चुअल एस का पेपर इस तरह भी हो सकता है दे वर रेडी फॉर दिस टॉपिक नंबर नाइन बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रेस्पॉसिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड नोआ में हमारा जो है सेप्टेम्बर के मॉक्स का एक जो टॉपिक था कि ट्रेडिशनल द चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इन द मॉडर्न एरा चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम इन द मॉडर्न एरा ये वो वाला टॉपिक है बिल्कुल बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम अगेन उसने एक उसके ऊपर इम्पोजिशन इम्पोज कर दी अपनी एक कंडीशन तो दैट बिकम्स आर्गमेंटेटिव लास्ट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़ इसके अंदर वैसे तो ठीक है शोर काफ़ी मचा हुआ है लेकिन आ, मैं सिर्फ मुख्तर से इसके ऊपर बात ये करूंगा कि अगर ये कहा जाए जैसे कि हर जगह इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जी ये क्लेमेंटाइन फोर्ड की जो बुक है बॉयज़ विल बी बॉयज़ उसकी इंटरप्रटेशन के मुताबिक है पेट्री के ऊपर और सौजनी के ऊपर और सारा कुछ दैट वुड बी अनलिमिटेड इंटरप्रटेशन ऑफ दिस टॉपिक और ये कहना कि जी अगर किसी शख्स ने ज्यादातर तो लोग जैसे समझ रहे हैं कि सर हमने तो वो किताब नहीं पढ़ी हुई ये हमने तो सुना भी नहीं हुआ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इसको क्लेमेंटाइन फोर्ड की बुक के मुताबिक ही लिखना है या यही आर्गूमेंट इसके अंदर डिस्कस की जा सकती है इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक प्लीज डू नॉट ट्राई टू लिमिट इट कि जी इसको जेंडर स्टडीज की फ्ला थियोरी के मुताबिक सिर्फ इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है इट हैज वास्ट इंटरप्रिटेशन और इसको Uh, various angles say discuss karna, I would like to see our students already is key, about in nay angle say and it's wonderful to see how they are able to put so much imagination into their essay papers, which is the basic qualification to pass the essay papers. I wish success to all our students, all our candidates in uh, this wonderful paper, and please remember that this is the way for the future. Thank you very much.